मिला है। हालांकि कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन प्रभु की इच्छा जहां होती है वो वहां ले ही जाता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, ऐसे मंच में आने का अवसर मिला है जहां पर बड़े बड़े विद्वान श्रेष्ठ कलाकार आ चुके हैं। और आज विशेष सहयोग परमादरणीय सम्मानीय श्रीमती क्रांति माला जी का मिला है। मैं चाहूंगा ऐसा ही आशीर्वाद हम बच्चों पर बना रहे और ऐसे ही आपके माध्यम से हम बच्चों को बड़े बड़े मंच मिलते रहे। हृदय से नमन करता हूँ आदरणीय सम्मानी जिनके अथक प्रयास से इस मंच तक आए श्री हमारे आदरणीय ठाकुर साहब जी। कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। संपूर्ण रात में जाने अनजाने इसी प्रकार की कोई गलती होती है, त्रुटि होती है, उसके लिए हमें आप क्षमा करेंगे। कोई अच्छाई मिलती है, आप सभी का आशीर्वाद होगा। इस जवाबी प्रतियोगिता में प्रतियोगिता की भूमिका निभाने के लिए मंचासीन परम आदरणीय सम्मानिया जिन्होंने अपने आवाज की दम पर जहां तक की कीर्तन सुना जाता है अपनी उच्च ख्याति प्राप्त की है, आपका हृदय सम्मान करते हुए नमन करते हुए मंचासीन परम आदरणीय सम्मानी श्री के शर्मा जी आपका हृदय से नमन करते हुए सम्मान करते हुए जितने भी आपके साथी सभी का हृदय से यथोचित अभिनंदन करते हुए नमन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। कोई भी त्रुटि होती है उसके लिए आप क्षमा करेंगे। शुभारंभ है कानपुर की सबसे छोटी पार्टी रिंकी तिवारी एंड पार्टी नवस्ता कानपुर की ओर से। हेलो,
शंकर भगवान की जय, या पिता ब्रह्मदेव की जय, कृष्ण भगवान की जय। हमारे जितने भी भैया दादा लोग पधारे हुए हैं, सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन है, नमन है। बुजुर्गवारों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज की रात्रि हमारी देवी स्वरूपा माताएं बहनें भी यहाँ पर विराजमान हैं। बिल्कुल बेटा, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ यहीं से, क्योंकि इस कार्यक्रम में विलम्ब अधिक हो गया है, बहुत हो गया है। तो मैं चाहूंगी बहुत अच्छे जय जय श्री राधे, धन्यवाद है। आपका कार्यक्रम है, आपको सजाना है, बस सुने आप लोग, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य हुआ है। जिसको ना आना हो वो आ जाए तो इसको सौभाग्य ही कहा जाए, लेकिन मेरे नसीब में यहाँ का अन्न जल बदा था। आप जैसे विद्वानों के बीच में आने का अवसर मुझे भी मिलना था, और सहयोगी के रूप में कीर्तन जगत की हमारे शान, कानपुर के शान आदरणीय श्रीमती क्रांति माला जी के समक्ष बैठने का अवसर मुझे भी मिलना था। इसके लिए मुझे बाके बिहारी लाल जी ने यहाँ पर बुला लिया, लेकिन कोई समस्या नहीं है, राशि एक ही है, तुला राशि आई है, चाहे राखी है चाहे रिंकी है। जय हो, जय हो, जय। धन्यवाद है, धन्यवाद है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला है मुझे। आइए, अधिक विलंब नहीं करूंगी, कार्यक्रम का प्रथम चक्र आप लोग आदरणीय हमारी बुआ जी की ओर से सुन चुके हैं, तो आइए चलते हैं। मैं भी अपनी ओर से प्रयास करती हूँ बहुत जल्दी में प्रथम चक्र में भी, क्योंकि प्रथम चक्र में जो अब मेरा समय आया है उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत पुराना मंच है, हम लोग नए हैं, लेकिन आप लोग वही सुनने वाले पुराने हैं, इसलिए अगर रात्रि भर में हम बच्चों की कोई त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। आइए चलते हैं। कार्यक्रम तो हमारा नेपाल में हुआ है, लेकिन यहाँ से 20 किलोमीटर आगे गुलरिया बाजार में, लेकिन आपके बीच में मुझे पहली बार आने का अवसर मिला है, तो इसलिए मुस्कुराकर भक्ति का जाम भरती हूँ, मुस्कुराकर भक्ति का जाम भरती हूँ, और अपने जज्बातों को अपना गुलाम करती हूँ। सर्वप्रथम उस मैया के चरणों में नमन, और फिर आप सभी सुनने वालों को मैं रिंकी तिवारी प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हरिओम, हरिओम।
धन्यवाद धन्यवाद है। क्या कर रहे हो भैया बार बार? कुछ नहीं, मैं बोलूंगी नहीं, आप परेशान मत हुए। जो ये आशीर्वाद आप लोग दे रहे हैं, आप देते रहे भले हम बोले ना बोले, हाँ। क्योंकि जा करके हम भी बताएंगे कि नेपाल से नई नई करेंसी हम लोगों को मिली, हालांकि हमारे समरजीत भैया को तो पहले ही मिल गई, तो चली गई। अच्छा अच्छा, मतलब एक गई है तो दो आई है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए, जैसा कि बहुत ही सुंदर सी वंदना आदरणीय हमारी बुआ जी की ओर से आप लोगों ने सुनी है, तो आइए मैं भी चलती हूँ इसी श्रृंखला को अपनी ओर से बढ़ाती हूँ। इस मेन माइक की आवाज को आप ठीक करें, ऐसा लग रहा है हम बिल्कुल कुएं में बोल रहे हैं। हेलो 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 हेलो, बहुत सुंदर, थोड़ी आवाज को बंद कर रखिए। हेलो हेलो हेलो, जंजीर तो बांध लीजिए। एक सौभाग्य हमारा और हुआ है, जैसा कि आदरणीय हमारी बुआ जी ने आप लोगों को बताया है कि आप लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर हमारे ऑपरेटर महोदय रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस कार्यक्रम को हमारे के स्टार जसराना से पधारे हमारे भैया, हमारे मनीष भैया जी यहाँ पर विराजमान हैं। ये मेरा सौभाग्य हुआ है कि इस चैनल पर मुझे पहली बार गाने का अवसर मिल रहा है। शाबाश बेटे शाबाश। हालांकि कार्यक्रम तो पड़े हैं यूट्यूब में, लेकिन अन्य चैनलों में पड़े हैं। इस चैनल पे जो कि खास तौर पर ये हमारी बुआ जी का ही चैनल है, अब बुआ का है तो फिर भतीजी का तो है ही है, और क्या है, ये सब फूफा की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद है, ये मेरा सौभाग्य हुआ है कि हमारे मनीष भैया से हमारी पहली मुलाकात हुई है। कन्हैया लाल चाहेंगे बुआ का आशीर्वाद रहा। हाँ। तो हो सकता है कल भी कहीं ऐसे ही फोन आ जाए। जय हो जय हो जय हो, क्योंकि हमें पता है अब आशीर्वाद मिला है तो अपना टाइम आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। आइए चलते हैं एक छोटी सी वंदना आप लोगों के बीच में लेकर के, क्योंकि मैं आपको बता दूं भैया जी, भगवान कन्हैया लाल ने जन्म लिया है माँ के द्वारा, भगवान राम ने जन्म लिया है माँ के द्वारा। अरे देवता तरसते हैं कि किसी नारी के गर्भ से जन्म ले, लेकिन ऐसा सौभाग्य उन देवताओं के नसीब में नहीं है, उन देवियों के नसीब में नहीं है। तो मेरा मानना है, और मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अगर वंदना गाती हूँ तो सबसे पहले उस माँ की वंदना गाती हूँ जिसके गर्भ से आपने 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 और हम सभी के बाप ने जन्म लिया है। क्योंकि तो कहते हैं कि घर की मैया भूखी बैठी और हलवा इन्हें खिलाते हैं, और अपनी मैया को एक साड़ी ना दी और लाल चूनर उन्हें चढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अगर हमारी जन्म देने वाली मैया हमसे खुश नहीं है तो वो जगत जननी मैया खुश नहीं हो सकती। तो आइए एक छोटी सी वंदना आदरणीय, मैं भी प्रयास करती हूँ। जब एक बच्चे को माँ जन्म देती है, आदरणीय फूफा जी सुनिएगा, राहुल भैया, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा कर देती है, बच्चे की शादी कर देती है, अब बेटा परेशान हो जाता है, पत्नी की तरफ बोले या माँ की तरफ, हर किसी के साथ ऐसा होता है। बिल्कुल। और जब ये समस्या आई, वो बेटा परेशान होकर परदेश चला जाता है, सोचता है बाहर कमाएंगे, चार पैसे बचेंगे भेज देंगे, लेकिन सुकून से जिएंगे। अचानक वो बच्चा ड्यूटी करके आता है, अपने खाट पर आराम से लेटा है, उसको अपनी माँ की याद आती है, कब दिन भर ड्यूटी करता है, रात में सोचता है कौन रोटी बनाए, आराम से सोता है, सोता है और उसको अपनी माँ की याद आती है, और जब याद आती है तो वो बच्चा रोने लगता है और अपनी माँ को याद करता है और कहता है क्या, वो बच्चा कहता है, अरे तेरे ममता की आंचल को मेरी Oh, 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 oh
दिया है इसलिए तेरे ममता के आंचल को मेरी नींदें तरसती है। तेरी उन लोरियों को मां जो बचपन में आप मुझे सुलाया करती थी, अरे तेरी उन लोरियों को मां ये तो दिन रात तरसी है। अकेला हूँ बुला ले तू, अकेला हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। उस जन्म देने वाली माँ के लिए जिसके गर्भ से हम सभी बच्चों ने जन्म लिया है। अब देखिए मेरी माँ ने मुझको जन्म दे दिया तो आशीर्वाद मिल गया मैया सरस्वती का, जिसके कारण से आज हम दोनों कीर्तनकार आपके बीच में आए हैं। आए हैं तो एक सरस्वती पुत्री होने के नाते माँ सरस्वती को बुलाते हैं, मनाते और कहते हैं माँ सरल संगीत हो जाए, कहना है माओ भक्त की लाज ना जाए। एक मेरी ही नहीं आदरणीय हमारी बुआ जी भी इस मंच पर विराजमान हैं, इसलिए कहना है भक्त की लाज ना जाए, दया मेरी ओर कर दो माँ। और इसके लिए आपको करना क्या है? क्या? अरे सब्द झनकार कर जाना और स्वरों से कंठ भर जाना, और बुलाती हूँ तुम्हें मैया, बुलाती हूँ तुम्हें मैया, दौड़ कर माँ चली आना। तो ओ में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वंदना कभी बंद नहीं होती, इसीलिए मुझे कहना है क्या? अरे मधुर वाणी रहे मेरी मधुरवाणी रहे मेरी, यही मैं आस करती हूँ। और मैया
रखोगी लाज आज मेरी इस प्रबुद्ध जनमानस के बीच में और सहयोगी के रूप में आदरणीय हमारी क्रांति माला जैसी जो कीर्तनकारा है आदरणीय हमारी बुआ जी ऐसी सहयोगी के रूप में आपने बिठा दिया है इनके समक्ष हम बच्चों को इसलिए कहना है अरे रखोगी लाज आज मेरी यही विश्वास करती तो ऐ माँ सभा में आज आना है सरस रस धार लाना है सभा में आज आना है सरस रस धार लाना है कहे परवाना हे मैया कहे परवाना हे मैया लाज मेरी बचाना है तो ओ हमारी नजर जा रही है जितने भी भक्त लोग खड़े हैं बैठे हैं यानी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी जिसको माता रानी ने दो सुंदर से हाथ दिए हैं और एक प्यारी सी जिब्या दी है एक बार दोनों हाथों को उठा के जोरदार जयकार लगाएंगे बोलिए सरस्वती मैया की क्या बात है जिन्होंने हाथ उठाकर जयकार लगाई उनको धन्यवाद।